हुआ था। इसी वॉशरूम में जो अतीक अहमद है वो अब यहाँ पर बाथरूम या शौच क्रिया के लिए गया था, जैसा कि ये पुलिस लाइन सभागार है, ये बताया जा रहा है कि अतीक अहमद इस कुर्सी पर बैठा था। इस कुर्सी पर अतीक इतना भी लाइव नहीं दिखाना होता, टॉयलेट करने उतरे अतीक अहमद तो निकली लोगों की हंसी। पत्रकारों ने टॉयलेट रूम में जा के बताया कि यहाँ उसने शौच किया था। वैसे तो खुले में शौच करना अपराध की श्रेणी में आता है, तो इसकी सजा भी अतीक को अलग से होनी चाहिए थी, साथ में पुलिस के खिलाफ भी केस दर्ज हो, क्योंकि उनकी मर्जी से ही अतीक ने खुले में मूत्र विसर्जन किया, और पत्रकारों के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने इसे दिखाया। अगर कानून की माने तो सब के सब अपराधी हैं, लेकिन भैया इस पर कौन ध्यान देगा, ये तो कानून आम आदमी के लिए होते हैं। साबरमती जेल से निकलने के बाद अतीक अहमद ने कहा कि उसे मारने की साजिश है। इसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। दोस्तों, गोदी मीडिया के एंकर दिनरात टीवी पर दावा करते हैं कि मोदी सरकार में हर तरफ अमृतकाल चल रहा है, लेकिन अतीक अहमद की गाड़ी का पीछा करते हुए नेशनल टीवी पर जो तस्वीरें दिखाई गईं वो सवाल उठाती हैं। अमृतकाल में गोदी मीडिया का मूत्रकाल चल रहा है असल में। नमस्कार दोस्तों, सूचना क्रांति में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ शीलेंद्र कुमार। दोस्तों, माफिया और गैंगस्टर अतीक अहमद को हाल ही में गुजरात की साबरमती जेल से यूपी की प्रयागराज की नैनी जेल में शिफ्ट किया गया है। लगभग 36 घंटे के इस सफर में यूपी पुलिस का काफिला गुजरात से राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी के जिलों से होते हुए प्रयागराज पहुंचा। अतीक अहमद को लाने वाले काफिले में यूपी पुलिस के 45 जवान, 6 गाड़ियां और 2 वज्र वाहन शामिल थे। इस दौरान काफिले के पीछे मीडिया की गाड़ियां भी मौजूद रहीं, जो अतीक अहमद के एक एक मूवमेंट को कवर कर रही थीं। यहां तक कि रास्ते में अतीक के शौच करने को भी लाइव दिखाया जा रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स बनाए जा रहे हैं। दरअसल यूपी पुलिस रविवार शाम जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से लेकर बाहर निकली थी, तब उसने कहा था, ये लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं। अतीक के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस द्वारा अतीक अहमद के संभावित एनकाउंटर से लेकर गाड़ी पलटने तक को लेकर मीम्स शेयर किए जा रहे हैं। वहीं मूत्रकाल पर भी लोगों ने गोदी मीडिया को ट्रोल किया है, क्योंकि कुछ मीडियाकर्मी भी अतीक के काफिले की एक एक तस्वीर लाइव दिखा रहे थे। बताया जा रहा है कि अतीक जब रास्ते में शौच करने के लिए उतरा तो कुछ लोग उसे भी लाइव दिखाने लगे। इस पर कुछ यूजर्स मजे लेते हुए भी कह रहे हैं, भाई इतना भी लाइव नहीं दिखाना होता है, आज तक न्यूज़ चैनल को देखना ही बंद कर देना चाहिए, इनके कैमरामैन ये दिखा रहे हैं अतीक अहमद ने क्या खाया, क्या पिया, कहां शौच किया, कहां खांसा, कहां थूका, सबसे निष्कृष्ट स्तर की पत्रकारिता। एक यूजर ने पुलिस मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे और अतीक अहमद की फोटो एक साथ शेयर की है। इस फोटो में विकास दुबे को यह कहते हुए दिखाया गया है, अब तक उसकी गाड़ी क्यों नहीं पलटी। फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, दुबे सर इंतजार कर रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा, यही रात अंतिम, यही रात भारी। एक ने कहा, ये क्या कह रहा है, लगता है सब कुछ पहले से बनी बनाई योजना है क्या। सुप्रिया नामक यूजर ने सिंगम फिल्म का एक वीडियो शेयर किया, इसमें प्रकाश राज को, अतीक अहमद और अजय देवगन को यूपी पुलिस के रूप में दिखाया गया है। मूत्रकारिता के बाद अब देखिए अतीक अहमद ने कहां शौच किया था। गोदी गैंग के सौजन्य से खुले में शौच करना अपराध है, क्या ये अतीक अहमद को पता नहीं है। कैमरामैन और अतीक अहमद दोनों पर कार्यवाही होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।